नीमच के जाजू सागर बांध हड़क्याखाल डैम का नजारा इस समय बड़ा मनमोहक और हसीन है। बांध में करीब 19.5 फीट पानी भर चुका है। बांध की क्षमता 21 फीट है। करीब 2 फीट पानी और बांध में आते ही जाजू सागर बांध में चादर चल जाएगी। लंबे समय बाद ये नजारा यहां आने वाले लोगों को दिखाई देगा। पिछले साल हुई अल्प वर्षा के कारण इस बार बांध का जलस्तर 4 फीट तक पहुंच गया था। जाजू सागर बांध नीमच शहर के पेयजल का मुख्य जल स्रोत है। नगरपालिका क्षेत्र में जल संकट की स्थितियों का आम जनता ने सामना किया। इन दिनों हुई बारिश की वजह से शहरवासियों ने राहत की सांस ली है। जाजू सागर बांध में विभिन्न नदी नालों का पानी आने से जल्द ही चादर चलने की संभावना है और जनता में इसकी एक खास उत्सुकता है। बांध से सीधे हमारी टीम ने यहां मौजूद लोगों से चर्चा की। सुनिए लोगों का क्या कहना है। भाई साहब, आप जाजू सागर बांध पे घूम रहे हैं, किस तरह का नजारा है, क्या खास बात है? बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। हम सत्र 2020 से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस प्रकार का नज़ारा हमारे यहाँ पर। 2020 में वेस्टवेयर चली थी, उसके बाद अब संभावना बन रही है। 19.5 फीट पानी जो है जाजू सागर बांध में भर चुका है। पूरे नीमच वासी इसी का इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का। दो से ढाई फीट के आसपास और अगर पानी की आवक आती है तो चादर चल जाएगी और बड़ा मनोरम दृश्य यहाँ उपस्थित होगा, जो लगभग 3-4 सालों के बाद ये चादर चलने वाली है। और अभी भी पानी की आवक लगातार जारी है, आवक बढ़ रही है। नीमच का पेयजल संकट भी दूर, नीमच का पेयजल संकट भी ये लगभग दूर हो गया है। लगभग वैसे काफ़ी भर गया डैम और 2.5 फीट का चादर भी चल जाएगी, तो नीमच वालों के लिए खुशखबरी है कि इतने सालों बाद। पिछले साल डैम बहुत ज़्यादा खाली रह गया था। काफ़ी समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे और उनके सूखे हुए कंठों को अब तर होने का समय आ गया है। डैम लगभग भरने की कगार पर आ चुका है। लगभग यहाँ दिखाई दे रहा है कि 20 फीट का जो निशान है उसको ये छूने वाला है और आवक लगातार जारी है और ऐसा लगता है कि शाम तक इसकी जो भराव क्षमता है वो 20 को टच कर जाएगी। और अगर फिर बारिश आ जाती है तो एक बारिश के दौर के बाद जो चादर चलने लगेगी और चहु और खुशियों का माहौल बनने लगेगा और सभी किसान और शहरवासी झूम उठे हैं और यहाँ पर पर्यटक अब दिखाई देने लगे हैं डैम पर और बड़ी ही खुशनुमा माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। का बहुत ही बेहतरीन नजारा है नीमच के अंदर, मतलब चारों तरफ सिर्फ घटाएं घटाएं हैं सावन की। और अब जिस तरीके से नीमच में पानी गिरा और 3 दिन का जो जोर बताया है वो हमारे नीमच वासियों को भी इसका मतलब असर देखने को मिला है। और 19 फीट जो मतलब हमारा अभी जाजू सागर डैम जो भर चुका है उसकी 21 फीट की क्षमता है। अब 19 फीट अगर भर गया है तो इसमें 2 की और जरूरत है, और 2 यानी आप और मैं मिलकर 2 होते, वो 2 अगर इसमें और मिल जाएंगे तो ये 21 फीट हो जाएगा और फिर नीमच के अंदर लहर की चादर चल जाएगी, जो नीमच वासियों के लिए एक उदाहरण है। और पर्यटक स्थल जो हमारा जाजू सागर डैम है, यहाँ जनता उमड़ जाएगी और आसपास की भी जो मतलब जनता है वो यहाँ पे देखने के लिए आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल देना। हाँ, हमारे जाजू सागर डैम का काफी मनमोहक नजारा रहता है चादर चलने का और उसी क्षण का इंतजार है। बस आप सभी लोग आनंद लेने के लिए तैयार रहे, काफी जल्दी ऊपर वाला इस मनोकामना को और मनोमोहक नजारे को आपके लिए प्रस्तुत करेगा और जो भी है आप सब आएं और एंजॉय करें। हाँ, यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रहा है, पानी का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पानी में 2 फीट और बाकी है भरना, 19 फीट भरा गया है, चादर चल जाएगी, नीमच वाले को खुशी होगी। लंबे टाइम बाद ये नज़ारा देखने को मिलेगा, लंबे टाइम के लिए हमको देखने के लिए नज़ारा मिला है ऐसा। गए साल ऐसी बारिश नहीं हुई थी, इस साल अच्छी बारिश हुई है। धन्यवाद।